गर्भावस्था एक स्त्री के लिए सुंदर पल होता है। हर एक गर्भवती स्त्री चाहते हैं कि उसके होने वाले संतान सुंदर, निरोगी, उत्तम गुणों से भरपूर हो। तो हिंदू धर्म में मंत्रों को बड़ा ही महत्व दिया गया है। गर्भवती माता को अच्छे विचार मनन करने चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, इससे दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। इस दिन कोई बिना कोई मुहूर्त देखे शुभ कार्य संपन्न कर दिए जाते हैं। इस दिन सिर्फ खरीदारी ही नहीं होती, बल्कि कई लोग अपना भूमि पूजन, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार या फिर अन्य शुभ आयोजन करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ये सभी कार्य बिना शुभ मुहूर्त निकाले संपन्न किए जाते हैं। तो आइए हम भी अपने गर्भस्थ शिशु के लिए माँ लक्ष्मी के पास अक्षय कृपा के वरदान को प्राप्त करते हैं। अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखें और चिंता मुक्त होकर सुने महालक्ष्मी मंत्र। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसी तरह के गर्भ संस्कार मंत्राज सुनने के लिए हमारे चैनल उज्ज्वल गर्भ संस्कार को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।